मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं हूं फहद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। बता चले आपको कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में नगरपालिका परिषद के तत्कालीन ईओ चेयरमैन सहित 15 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। कारण आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पोखरे की जमीन यानी कि सरकारी जिला अस्पताल के सामने खाता नंबर 120, आराजी नंबर 120 और आराजी नंबर 122 पर इन लोगों का अवैध कब्जा होने के कारण इन लोगों के ऊपर जिलाधिकारी मऊ के द्वारा तहरीर दे करके इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया गया है। लेकिन बता चले आपको कि FIR की कापी में जो नाम दिया गया है, नाम और पता बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है। अस्पष्ट होने के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपको बता चले कि क्रमवार नाम हम आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहला नाम है रामाजा मौर्य, पिता का नाम पता अज्ञात है। फिर दो बहन साधना, पति का नाम है रामाजा। कौशल कुमार, पिता का नाम हरिहर। भानु प्रताप, पिता का नाम जगदीश। रामकृष्ण विशेन, पिता का नाम अज्ञात है। परमिला सिंह, पति का नाम है विजय प्रताप। नंबर 7 पर है निर्मला पांडे, इनके पति का नाम भी अज्ञात है। अनिल सिंह, पति का नाम अज्ञात। डॉक्टर राहुल राय के नाम पर भी एक चर्चा चल रही है कि ये डॉक्टर राहुल राय कौन है। जब इनके मारीना संदेश के द्वारा इन लोगों से संपर्क किया गया तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की आसपास में भी इन लोगों के नाम से राहुल हॉस्पिटल जिनके नाम से चल रहा है, डॉक्टर SN राय के सुपुत्र श्री डॉक्टर राहुल राय साहब, उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह की 1 इंच भी जमीन उन लोगों की मां नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम आया है। अब जांच का विषय है कि ये डॉक्टर राहुल राय कौन, राहुल हॉस्पिटल वाले या कोई अन्य है। 10 नंबर पर है तत्कालीन नगरपालिका परिषद मऊ के ईओ अधिशासी अधिकारी, नाम पता अज्ञात। 11 नंबर पर है चेयरमैन, नाम पता अज्ञात। 12 नंबर पर है भरत सिंह। 13 नंबर पर है मंजू सिंह। 14 नंबर पर फिर लिखा हुआ है तत्कालीन नगरपालिका परिषद मऊ के ईओ अधिशासी अधिकारी। और 15 नंबर पर पुनः एक बार फिर लिखा हुआ है चेयरमैन, नाम पता अज्ञात। अब एक बात ये भी जानने वाली कि आखिर नाम पता अज्ञात क्यों लिखा हुआ है और तत्कालीन कौन है। ये घटना जिस समय की बताया जा रहा है, सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि जिस समय की घटना है उस समय के ईओ नगरपालिका परिषद मऊ में जो ईओ तैनात थे उनका नाम विद्यासागर था, और साथ ही उस समय के जो चेयरमैन थी शाहिना अर्शद जमाल का नाम आ रहा है। लेकिन जबकि मारीना संदेश इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि वास्तव में वही लोग रहे होंगे या कोई अन्य वर्तमान समय की बात है, लेकिन जो घटना बताई जा रही है वो पुरानी घटना बताई जा रही है। आज इस तरीके की खबर मिलते ही पूरे शहर में, नगरपालिका क्षेत्र में और पूरे शहर में हड़कंप मच गया है कि आखिर किस घटना के तहत इस तरीके से तत्काल भू माफिया में FIR दर्ज कर दिया गया है और पोखरी को अतिक्रमण का मामला दिखाया जा रहा है। देखना यह है कि आगे जांच का विषय है कि किस तरीके का आगे निष्कर्ष निकलता है और किस तरीके से लोग अपना बचाव करते हैं। क्या वास्तव में लोग संलिप्त हैं या कि फिर इन लोगों को भी गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जांच का विषय है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।